प्रशासन इतना सख्त हो कि 3 से 7 दिन के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके रेपिस्ट को फांसी होना चाहिए। आपको एक शर्म नहीं आ रही? आपको आज भी शर्म नहीं? आज भी आप कांग्रेस की जीत, आपको शर्म नहीं आ रही? बात करिए कांड में क्या हुआ देश में, ऐसी घटना हुई है? आज वो जो बेटी है वो आपकी भी बेटी है, समझ रहे हो ना? वो किसी एक परिवार की नहीं है। अब ओबीसी की कहां पे? हर एक पूरा विश्व में, पूरा देश में कोई भी घटना होता है, ओबीसी जी का पर मिनट क्यों आता है? आज कहाँ पे है ओबीसी जी? एक सर्वे के हिसाब से देश के अंदर 15 में एक मिनट का केस आता है आज की तारीख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल में। आज हम दिल्ली में जनता के बीच हैं और बात करेंगे जनता से, जो कि कल एक भयानक हादसा सामने सुनने में आया जिसमें कि एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है, बाद में उसको जला के मार दिया जाता है। और एक अप्रिय घटना, एक दुष्कर्म ऐसा जिसके खिलाफ आज पूरा देश इकट्ठा हो रहा है और एक रोष है देश में, जनता में, कि क्यों ऐसा होता है हर बार कि बेटियों को इतना जुल्म सहना पड़ता है, इस तरीके की घटनाओं से सामना करना पड़ता है। सर आपका नाम? ऋषिराज जी कहाँ से आए? बिहार मधुबनी गलौली गाँव हो गया। क्या लगता है कि कैसा है जो चेन्नई में हादसा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी जी कहाँ पे? हर एक पूरा विश्व में, पूरा देश में कोई भी घटना होता है, ओवैसी जी का पर मिनट ट्वीट आता है, आज कहाँ पे हैं ओवैसी जी? ओवैसी जी कहाँ पे हैं? ओवैसी जी कहाँ पे, सवाल है। क्या लगता है किस तरीके की इतनी बनाना जो भेज सको? देखिए हमारे यहाँ पे ना मानसिकता इतनी खराब है कि हर तरह से ऐसी सोच जो करी है जिसने भी, बहुत मतलब जो है लेनी है, और उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो शायद हमें भी फील अपने लिए। तो 2 मिनट और दो नहीं, नंबर दो, जो ये हुआ है और पहले भी जो कांड हुआ था, हमारे देश का जो कानून जो है ना बनाया तो जाता है मगर लचीला बड़ा जबरदस्त है, और इमीडिएटली कोई ना कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जो ताकि पब्लिक भी सर राजा जिसने भी काम करा है आज छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से, मतलब एक सर्वे के हिसाब से देश के अंदर 15 मिनट में एक मिनट का केस आता है आज की तारीख 15 मिनट में एक केस। और उसके बावजूद में भी हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन भी जो भी है ना, वो एक लूज है ताकि वो एक पैसे के आंकड़े की तरफ देखता है, क्योंकि जिसने जो अभी आज की एक दुबे जी का केस लेडीज का हुआ है, उसने एक प्रोसेस बंदा स्टेशन कर ली और सिंपल कोरोगेटेड पाइप और कोरोगेटेड बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ था, आज इसको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये कौन सी उसकी बात है? इसको भी एक मतलब लोकतंत्र के अंदर कहने का हक है, कम से कम इस कदम के लिए कोई तो उठाया, एक लेडीज की बेचारी उस लड़की हुई है, करा है उसने, और करने के बाद में भी जो हुआ है तो पुलिस को ये ठीक नहीं। एक कार्यशील लड़की थी जो कि डॉक्टर थी, और ये डॉक्टर्स के लिए जिसने भी जो जिस एरिया में थी वो एक बहुत ही तुच्छ विचार के लोग थे, जो ड्राइवर्स वगैरह कुछ ऐसे बोला जाता है, जो खबर पड़ी है तो वो ये हुआ है, और जो जलाया है और ये उससे भी ज़्यादा बदतर रेट है। और इसके 3 रीजन है जो मेरे तरफ से, एजुकेशन, वो एजुकेशन है इंडिया में बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को नर्सरी से आप वो एजुकेशन में दोगे कि गर्ल्स अलग है बॉय अलग है, तो बस आप बच्चे से उसके दिमाग में दे रहे हो ना तो दोनों मेल फीमेल अलग अलग है। सेकेंड चीज़, अयोध्या में राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है भाई, अयोध्या में रावण की मंदिर की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अपने पांच रेखा के लिए अभी जिस टाइम पे कांड हुआ था कांग्रेस का मामला था, अभी उसको मतलब उसको कट तो दिया, ये तो गलत है, मगर कोई दिक्कत नहीं उसमें जो है, लेकिन रावण की भी मंदिर होनी चाहिए। कहना चाहेंगे सर, जो कांग्रेस की तरफ से बनाया गया कानून था, आज फिर एक बार निर्भया की तरह एक और केस होता है, कैसे कितने कानून बनते हैं, कितने वो कागजों तक सीमित रह जाते, उसको इम्प्लीमेंट करना किसकर इम्प्लीमेंट होता नहीं, वो इतने कानून सरकार अपला झाड़ लेती, हमने वो फंड मुहैया करा दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई कहा था, कोई आज तक कुछ 6-7 साल पूरे हो गए जब मोदी गवर्नमेंट को जो है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना नहीं, न्याय व्यवस्था हमारी पूरा कानून नहीं इम्प्लीमेंट हो तो सुधार होता नहीं, जो है वो अंग्रेजों के ज़माने का जो कानून उसी को ढो रहे, मतलब 24,000 जो कानून है हमारे देश के अंदर वो भी अंग्रेजों के दिए हुए आए हुए, और कांग्रेस ने कभी इम्प्लीमेंट नहीं करा, ये तो कुछ अब हुए हैं, और आप कांग्रेस बीजेपी, आपको शर्म नहीं आती इस बात के लिए? निर्भय कांड में क्या हुआ देश में, ऐसी घटना हुई है? आज वो जो बेटी है वो आपकी भी बेटी है, समझ रहे हो ना? वो किसी एक परिवार की नहीं है। अवार्ड गेम कहाँ गया? हैदराबाद में ओबीसी कहाँ गए?
जो आज दुनिया भर की बातें कर रहे थे, राजनीति से राजनीतिक जो है वही कानून बनना चाहिए, उसका इंप्लीमेंट करना चाहिए। कहां से आ गया सवाल? तभी उठते हैं यूपी के बारे में संभल के दिया है, रैली कैसे उठाई है, अगर निर्भय हो नहीं कर रहा है, अगर निष्पक्ष सरकार के दबाव में जो है, बीजेपी के दबाव में जो है, मीडिया अपना रोल सही नहीं निभा रहा है, कानून में क्या चाहते हैं, ओबीसी से पूछना चाहिए, कानून में सुधार होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए, इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, ताकि आने वाली कोई जनरेशन देखे पता लगे कि ऐसा हुआ है। जमीन में जो है दिखना चाहिए आम जनता को, सुप्रीम कोर्ट को दिखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए इमीडिएटली एक्शन उन पुलिस वालों को। सही बोल रहे हैं, हम तो गृह मंत्री का अभी बयान आया है कि जिला कहने में कुछ नहीं है, मगर उसमें प्रैक्टिकल में कितनी आई है, प्रैक्टिकल में आना चाहिए, जैसे कि रेलवे कान में जमीन में दिखना चाहिए, जमीन को दिखना चाहिए, ये जुम्मे पर पल्ला झाड़ के देगा जो है, पल्ला झाड़िया को और एक वो डॉक्टर है, एक वो डॉक्टर दे दिया हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर कि जो हैदराबाद में केस हुआ उससे क्या आप करना चाह रहे हैं? मारुति में बैठा के लड़की चले जाता है, कोई दुर्घटना पर आपको कुछ नहीं कहता, गरीब लड़का को मार ले जाओ, किसी भी बच्चे बलात्कार बलात्कार है, बलात्कार की तुलना किसी और चीज़ से नहीं करनी। जो सरकार मौजूदा है उसको सख्त असर बोल के उन लोगों को जेल में डाल के फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो भी सजा का सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बना रखा है निर्भय के बाद में, आपके हिसाब से क्या सजा होगी? हमारे हिसाब से तो सजा या तो आदमी को उस लायक ही ना छोड़ा जाए जिंदा रखने के बाद में, क्यों किसी से फिजिकली सेक्स कर सके, उसको जीते जी मार दिया जाए, या जो और गल्फ के अंदर सजा होती है फांसी की सजा वो दी जाए, यही दो सजा बनती है। अगर आदमी को जिंदा रख के उसको इस लायक ख़त्म कर दिया गया, उसको जिंदगी भर जब तक उसके अंदर सांस है इस बात का एहसास रहेगा कि मैंने गलत कदम उठाया, ये मेरा गलत फैसला था, पहला नहीं है आखिरी नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसको रोक कैसे सकते हैं कोई ये नहीं समझ बताता है, कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, उस पर एक सवाल खड़ा है। कानून ऐसा बनना चाहिए कि रेपिस्ट को 3 दिन के अंदर में फांसी हो, प्रशासन इतना सख्त हो कि 3 से 7 दिन के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके रेपिस्ट को फांसी होना चाहिए, हो सकता है 100 में से एक निर्दोष भी चढ़ जाए फांसी, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कानून पूरा जांच नहीं कर पाता है, धोखा भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि एक निर्दोष भी चला जाए, यदि 99 दोषी को फांसी हो जाए तो मैं इससे संतुष्ट हूँ। सर सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार बनाने के लिए रात को खोली जाती है, रेप के मामले में क्यों खोली जाती है? यही तो शर्म की बात है, शर्म की बात है राजनीतिक दलों के लिए भी कि हम धर्म और जाति देख के अपना रिएक्शन देते हैं, जो ही पता चला कि धर्म विशेष के लोग हैं, कहाँ गए अबार वापसी गैंग वाले, कहाँ गए मोमबत्ती वाले, कहाँ गए फर्जी कुमार, किसी का ट्वीट आपने नहीं देखा है, धर्म विशेष के आने में ट्वीट आना शुरू हो जाता है। देखिए ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, रेप हिंदू का भी होता है, रेप मुस्लिम का भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे कि मुस्लिम का रेप हुआ कि हिंदू का रेप हुआ, इससे ज़्यादा शर्म की बात है कोई? ये अवार्ड वापसी गैंग वाले इस देख करके वो अवार्ड वापसी करते हैं, फर्जी कुमार वाले ये देख करके ट्वीट करते हैं, ऐसे बेरोजगार पत्रकारों को भी क्वेश्चन पूछना चाहिए और रेपिस्ट के साथ इनको भी फांसी देना चाहिए फर्जी कुमार जैसे को, तभी ये रुकेगा।